नमस्कार, मैं आशीष भदानी, आप देख रहे हैं जन की बात। मैं इस वक्त धनवार विधानसभा में हूं और धनवार विधानसभा का यह क्षेत्र डोरंडा में है और डोरंडा का वाकई क्या माहौल है, क्या चुनावी माहौल है, मैं लोगों से बात करूंगा। देखें हमारे इस रिपोर्ट। डोरंडा में भारतीय जनता पार्टी के महिला कार्यकर्ता निकली है मैदान में। अब इनका क्या विजन है, किस उद्देश्य से क्या करना चाहती है राज धनवार विधानसभा, मैं इन्हीं से बात कर रहा हूँ। मैडम जी, आपका शुभ नाम और किस विजन से अभी आप उतरे हैं? मैं सोनी चरसिया। हाँ, और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में उतरे हैं। सभी महिलाएं उतरी हैं और हम लोग अभी बाबूलाल जी के क्षेत्र में हैं और राज धनवार से हम लोगों को विधायक नहीं, एक मुख्यमंत्री चुन के भेजना है, तो इसीलिए हम लोग उनके वोट के लिए क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है आखिर ये, तो आपका मतलब इतनी संख्या में हम लोगों का उद्देश्य ये है। हाँ। कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि हम लोग झारखंड को बचाना चाहते हैं। हाँ। हम लोग झारखंड को अभी देख लीजिए, दूसरे राज्य में जिस तरह से हो रहा है, बाहर की जो मुस्लिम लोग घुसपैठिए लोग घुस गए, उस तरह से हम लोग झारखंड को बचाना चाहते हैं और बाहर के घुसपैठियों से बचाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग का एक ही मकसद है, सिर्फ बाबूलाल जी मुख्यमंत्री बने तभी हम लोग महिलाओं का भी सम्मान बचेगा। महिलाओं को आप लोग भी इसी टोली में क्या करना चाहते हैं आप लोग अभी भाजपा के लिए क्या उद्देश्य है? देखिए काफी टोली निकला हुआ है, काफी भीड़ है, आप लोग क्या उद्देश्य है? हम लोग का देखिए जहाँ तक हो रहा हम लोग पूरा भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं। वो लोग हम लोग को पूरा हर चीज का सुविधा दिया। अच्छा। हम लोग महिला है। हाँ। हमको महिला का सपोर्ट लेना है, भाजपा का साथ देना है। हाँ। क्योंकि हम लोग का घर में बिजली नहीं था। हाँ। कोई चीज का व्यवस्था नहीं था, हम लोग का सुख दुख में हमेशा साथ दिए हैं, तो हम लोग भी उनके लिए साथ देंगे। दिन रात करके मेहनत करके जागृत करना है, सब कुछ बताना है, जगाना है कि सब लोग भाजपा ही को वोट दीजिए। टोली जो आप लोग भाजपा के साथ है क्या? हम लोग पूरा महिलाएं घर छोड़ दी है। अरे बाकी जो हरा पीला जो चल रहा है इनको क्या? हरा पीला सिर्फ हवा है, वो कुछ नहीं है। अच्छा, हरा पीला पेड़ में लगना है। सर रामनिवास पांडे भाजपा से है? हम भाजपा से हैं, पदाधिकारी भी हैं भाजपा में। अच्छा, तो पक्का बात है भाजपा के पक्ष में बात कीजिएगा? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। भाजपा निश्चित अधिक मतों से आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, जो हमारे झारखंड के लाल हैं। हाँ। जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं। हाँ। वो इस विधानसभा से प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। हाँ। कहीं कोई बात नहीं है, अधिक वोट से हम लोग भेजे हो करके और झारखंड में अपना राज्य को भाजपा को लाने का ये कर रहे हैं और अपना बाबूलाल मरांडी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और झारखंड में फिर वही विकास का गंगा बहेगा जो बहा था 2000 ईस्वी में, वही विकास का गंगा फिर से बहेगा झारखंड में। आप कुछ कहेंगे सर? बिल्कुल सही बात बोले रामनिवास जी। हाँ। मैं भी यहाँ का युवा कार्यकर्ता हूँ भाजपा से, और पूरा लहर है भाजपा की ओर। पिछले बार जो जीते थे JVM से, उससे अधिक रिकॉर्ड मतों से हम लोग इस बार जिताएंगे उनको। क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त जो चुनावी लहर चल रही है, कई राजनीतिक पार्टियां इस वक्त यहाँ राज धनवार के विधानसभा में उम्मीदवारी कर रहे हैं, दावेदारी कर रहे हैं, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? इसे देखिए, पहला बात तो जो BJP का नजरिया है, हाँ, जो मैनिफेस्टो भी जारी किया हुआ है। हाँ। और जैसा पिछले सरकार का व्यवहार रहा है छात्रों के प्रति, यहाँ के आम जनताओं के प्रति और महिलाओं के प्रति, जो ठगने का काम कर रही है। अच्छा, कौन ठगने का काम कर रही है अभी वर्तमान की सरकार? अच्छा। माननीय हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। हाँ। अभी मान लीजिए किसी भी मैटर की आप बात करें, जैसे मान लीजिए विधानसभा झारखंड हुआ, उन्हें बोले वो कि 5 साल में हम हर एक साल 1 लाख नौकरी देंगे। युवाओं का रोजगार का प्रथम मुद्दा उनका था। अच्छा। दूसरी मुद्दा वो लिए थे कि मैं पारा टीचर को परमानेंट करूंगा। हाँ। छोड़िए, दो ही मुद्दा पर बात करते हैं। हाँ, हाँ। पारा टीचर भी तो देख रहे हैं स्थिति, और हम जैसे बेरोजगार युवा तो आप देख रहे हैं, पिछले रैली लीजिए, रांची का रैली हो, पूरा झारखंड का रैली हो, युवाओं ने कैसा उनके प्रति आभार प्रकट किया, अभी तो आम लोगों से छुपा नहीं है। जब उनकी सरकार का लगा के पतन होना तय हो गया, तो औरतों को ठकने के लिए मैया सम्मान योजना लॉन्च किए। ये सिर्फ एक दिखावा है कि मैया को 1000 रुपया देने से पूरा महीना चल जाएगा। मान लीजिए कि कोई मैया का अगर बेटा बेरोजगार है तो खुश है, कह रही है कि नहीं हम तो बहुत, उनके बहुत, साथ है। बहुत खुश है, किसे खुश नहीं है। मान लीजिए कि जिस मैया का 2 बेटा है और दोनों बेटा बेरोजगार है और उसको 1000 रुपया दे रही है, दोनों बेटा को 500 दे दिया। अब मान लीजिए कि अब मान लीजिए कर रहे हैं जी क्वेश्चन कर रही है। अब मान लीजिए एक मैया का 2 बेटा है और दोनों एक मैया को 1000 रुपया एक महीने में, अब दोनों का बेटा 500 हिस्सा हुआ। मान लीजिए उसका बेटा कोई शहर में रह रहा हो, छोटा मोटा शहर मान लीजिए राज धनवार में रह रहा हो, तो 500 रुपये में तो उसका 1 महीने का खर्च बिल्कुल चलेगा, उसी में बुक लेगा, पढ़ेगा भी,
और पूरा झारखंड सरकार का व्याख्या भी करेगा। व्याख्या कब करेगा? जब चुनाव आएगा। जैसे भी दौर चल रहा है चुनाव का, आपने जो छात्रों के साथ व्यवहार किया, महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया, उनके जो आने वाली पीढ़ियों के साथ व्यवहार किया, मान लीजिए कोई महिला को आप 1,000 रुपया दे के उसके बच्चे को ठग रहे हैं, ये आपकी कैसा न्याय है? क्या चाचा इस बार क्या आप लोग का हाल रहेगा यहाँ, कुछ बताइए अपने। कुछ नहीं बता सकते हैं यहाँ। हाँ, कैसा माहौल चल रहा है अभी? कैसा चल रहा है? किसको वोट करने के पक्ष में हैं आप लोग यहाँ पर? क्योंकि JMM भी है, BJP भी है, और भी कई निर्दलीय हैं, तो आप? मैं BJP की आए। BJP को आए? क्या सर इस बार यहाँ राजधनवार में काफी राजनीतिक पार्टियां मैदान में हैं, आप किस नजरिए से देखते हैं और आपका वोट किधर होगा? नहीं, अभी बोल वाला तो BJP का ही चल रहा है। हाँ, हम लोग भी सपोर्टर BJP का ही कर रहे हैं। डोंडा से नहीं, धनवार विधानसभा से। क्या नाम हुआ भैया आपका? प्रदीप कुमार यादव। ठीक है, आप चाहे क्या नाम हुआ आपका? इधर जो देखिए, अभी आपको पता है ना चुनाव का महीना चल रहा है, चुनाव है, वोट बाट पड़ने वाला है। कब है इधर वोट? 20 तारीख को 20 नंबर को। अच्छा, तो जैसे मेरा कहना है कि देखिए यहाँ ये राजधनवार विधानसभा है, और राजधनवार विधानसभा में करीब करीब 24 प्रत्याशी है, जिसमें भाजपा है, JMM है, माले है, और कई पार्टियां हैं। और तो आप इस विधानसभा में क्या करने वाले यार, आपका क्या नजरिया रहेगा? मेरा नजरिया है कि हम लोग जो है हमारा वॉइस वही चलेगा, हम लोग दूसरा नहीं, हम लोग करेंगे। किसको वोट करेंगे? जो हमारा हजी बावलन मरंडी को बावलन मरंडी को वोट करेंगे। बावलन मरंडी को? ये हाथ कैसे टूट गया आपका? तो वो तो एकदम टूटे से बाथरूम भी आ रहे थे। अच्छा, चलिए इनका हाथ टूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, जल्द स्वस्थ हो। लेकिन आपका मत? मेरा मत है कि बस बालूजी मरंडी को। अच्छा, तो ये कौन सा गांव है आपका? देखिए पूरा कच्चे पक्के मकान है, देखिए छपरेल वाले मकान। क्या आप लोगों को यहाँ एक सरकार कह रही थी कि यहाँ अबुआ आवास हम लोगों ने चालू किया हुआ है, तो क्या आप लोगों को अबुआ आवास वगैरह नहीं? मैं देख रहा हूँ ये छपरेल वाला मकान तो मिला नहीं सर, हम लोग फॉर्म भर के तो कर दिए, हम लोग को कोई बाबू योजना नहीं मिला अभी तक। फॉर्म भर रहे कोई मतलब? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिकी कुमार साहब। आपको अबू आवास नहीं मिला है? नहीं। क्या, क्यों? मेरा लाल कार्ड तक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये देखिए घर, देखिए छपरेल वाला घर है, मुझे लगता है काफी जर्जर हालत में है, और यहाँ सरकार की योजना मुझे लगता है नहीं मिली है, तभी ये लोग कह रहे हैं आप लोग को अबू आवास नहीं मिला। क्या बोल रहे थे बहन जी आप? कॉलोनी अभी तक नहीं मिला, 5-6 बार भर चुके हैं, अभी तक हम लोग का नहीं आया है। नहीं आया? नहीं आया। कौन सा गाँव है ये? बाजार पर डोरंडा पर है, डोरंडा पंचायत में पड़ता है। आप लोग को कॉलोनी वगैरह नहीं मिला? देखिए सरकार में पता नहीं क्या मतलब कमी रह गया, किस तरह की योजना यहाँ चली। देखिए हम, मैं इस मकान को देख रहा हूँ, और वाकई ये जो दुर्दशा है, पानी आया सिर्फ नल है। क्या हुआ? पानी नहीं आया है, सिर्फ नल बिठा दिया है। नल पानी को कहाँ नल बिठा दिया? ये नल? हाँ। ये नल? हाँ। नहीं, पानी आएगा अभी, लेकिन हम खोलते हैं, पानी आएगा। कैमरामैन साहब देखिएगा, पानी आएगा। पानी आ गया ना? क्या हुआ इसमें, क्या दिक्कत आ रही है? इधर आइएगा जरा सा बताइए। बोरिंग में पानी नहीं निकला तो पानी नहीं आया। वही सब बोले कि अगर बोरिंग में पानी नहीं निकला, हाँ, तो पानी आया नहीं। फिर क्या नाम हुआ आपका? ऐसे कोशिश भी नहीं किया गया कि दूसरा पानी बोरिंग करके। देखिए पेयजल की समस्या है यहाँ, आप सोचिएगा, जहाँ दी हमारी बात को सुन रहे, पेयजल की समस्या है। ये नल मजाक है, घटिया सिस्टम है, मैं सीधा कहूँगा। देखिए तो कैसे फिर आप लोग का पानी वानी का गुजारा चल रहा है? चल रहा है, देखिए एक बहुत पुराना है। अच्छा, मतलब चापाकल से आप हैंडल चला के काम चल रहे क्या? देखिए इनका जो सारा काम है, और देखिए इतने लोग हैं यहाँ, इनके सीधी समस्या पेयजल पानी का दिक्कत है क्या? हाँ, पानी का दिक्कत सर, बहुत दिक्कत। अच्छा, कॉलोनी भी बार बार भर रहे, नहीं मिल रहा है, नहीं दे रहा है, बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है पेपर। अच्छा, कॉलोनी नहीं दिया? देखिए मैं यहाँ किसी को कहने के लिए नहीं मजबूर कर रहा हूँ, ये महिलाएं खुद अपनी समस्या बता रही है। वाकिर समस्या तो समस्या है, यदि घर नहीं मिल रहा, पानी की असुविधा हो, तो फिर मैं क्या कहूँ? मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट करूंगा कि विधवा पेंशन लाल कार्ड है। अच्छा, राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है। चलिए ये तो मोदी जी दे रहे हैं ना? हाँ, मोदी जी दे रहा है। हाँ हाँ हाँ, चलिए ठीक है, सब उन्हीं का देन है, हम लोग बस और के साधन है। हाँ, जैसे देखिए सर, अभी बंगाल का हाल आप लोग देख लीजिए,
फिलहाल में ही कुछ हुआ था, वो डॉक्टर के साथ जो महिला डॉक्टर थी उनके साथ जो हुआ वो तो बहुत गलत हुआ। और घुसपैठिया जो हमारे ये हो गए हैं पूरा देश में घुस गए, तो क्या आप लोग चाहते हैं कि झारखंड का भी वही हाल हो? झारखंड का तो हम लोग बेहतर चाहते हैं, पूरे देश का चाहते हैं, झारखंड का ही नहीं, हम लोग पूरे देश का चाहते हैं कि हम लोग का बेहतर हो। कौन सा क्षेत्र है सर ये? ये राजधनवार विधानसभा क्षेत्र है। कौन गांव? डोरंडा गांव है, उत्तरी डोरंडा में। क्या कर रहे हैं सर? इस बार देखिए काफी यहां पर टक्कर बना पड़ा है, राजधनवार हॉट सीट हुआ है, करीब करीब 24 उम्मीदवार यहां मैदान में है, चाहे भाजपा से हो, माले से हो, आसू से हो, मैंने आसू तो गठबंधन में ही है, इसके अलावा देखिये निर्दलीय भी है, तो किस नजरिए से देख रहे हैं इस बार आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए प्रत्याशी चाहे जितना भी खड़ा हो जाए, राजधनवार विधानसभा कमल फूल को हमेशा चाहा है और बहुत हृदय से चाहा है। अलग बात है कुछ ऐसा समय रहा हमारे लिए जो स्ट्रगल का समय रहा, लेकिन इस बार कुछ वैसा नहीं है, इस बार आराम से हम लोग बाबूलाल मरांडी जी को जिता रहे हैं और प्रचंड बहुमत से जिता रहे हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। इस बार जनता मरांडी जी के साथ है और मरांडी जी इस क्या बार नाम हुआ सर आपका? सूरज कुमार पांडे। जी ठीक है, धन्यवाद। करीब करीब 24 उम्मीदवार यहाँ राजधनवार विधानसभा से हैं, जैसे उसमें भाजपा, माले या निर्दलीय और भी काफी उम्मीदवार हैं यहाँ जी, तो यहाँ पर क्या रहेगा माहौल और कितने लोगों में टक्कर चल रहा है? सर यहाँ का माहौल तो बहुत अच्छा है, उसकी तो जरूरत ही नहीं है कहने की, क्योंकि हम लोगों को भाजपा सरकार चुननी है। अच्छा, हम लोग ये नहीं है कि भाजपा से रिलेटिव है या तो कुछ है, हम लोग पार्टी से किसी से मतलब नहीं है, लेकिन हमको भाजपा सरकार जो हमारे मजबूत सरकार है, जो हमारे भविष्य जिसमें है उज्जवल, उसको हमको चुनना है, लाना है। जैसे हमारे झारखंड का सीएम बाबूलाल मरांडी को हम लोग को चुनना है, हम लोग हेमंत सरकार को हटाना चाह रहे हैं। हेमंत सोरेन को आखिर क्यों हटाना चाह रहे हैं? आखिर कह तो रही है कि मैं मैया सम्मान योजना दिया हूँ, महिला को सम्मान किया हूँ। सर अगर मैया सम्मान योजना दिए ही रहते तो 5 साल से कहाँ थे हेमंत सरकार, उनको तो 5 साल देना चाहिए था, 1 साल पहले, 6 साल पहले, 6 महीना पहले देना चाहिए था, वो तो इलेक्शन के 2 महीना के पहले मैया सम्मान योजना दिए, महिलाओं को झांसा दिए हैं, लालच दिए हैं कि वोट हमारे प्रति दे। अच्छा। इसलिए और तो ऐसा कुछ नहीं है उनका। और अभी जैसे यहाँ पर जैसे भाजपा के अलावा और भी प्रत्याशी थे, क्या उन लोगों को आप लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं करने के पक्ष में है क्या? नहीं सर, भाजपा का सपोर्टर हम लोग हैं, करेंगे जी। अच्छा, एक नारा आपके पार्टी में चल रहा है, योगी आदित्यनाथ जी मुंबई में कहे कि बटेंगे तो कटेंगे जी, इस नारे के बारे में आपको मालूम है जी? क्या क्या उद्देश्य है इस नारे का? सर इस नारे का मुद्दे है कि हम लोग एक रहेंगे, एकजुट रहेंगे, एकता रहेंगे तो हम लोग सेफ रहेंगे, मतलब एक रहेंगे तो नेक हैं। और हम लोग अगर बैठ जो मुद्दा है जी, बॉर्डर तो केंद्र सरकार के अंदर आता जी, है जी, तो ये तो रोकने का काम तो मोदी जी का होना चाहिए। तो मोदी जी का काम होना चाहिए सर, मोदी जी तो रोक रहे हैं। हाँ। घुसपैठी लोग घुस गए हैं तो उसमें देखिए आप लोग राशन कार्ड उसको देंगे? हाँ। नहीं ना देंगे, नहीं उन लोग को नागरिकता ठहराएंगे? नहीं ना ठहराएंगे। तो देखिए हम लोग का जितना है जो हम लोग को कोशिश करेंगे। ठीक है चचा, कुछ कहिएगा आप, तो कुछ कहिएगा, कुछ कहिए, क्या कहना चाहते हैं इस बार जो लहर है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? क्यों और बाकी जो यहाँ पर चल रही है, देखिए निर्दलीय भी है यहाँ, कहते माले से भी है, सब क्या बोलते हैं उसको, यहाँ ये जेल कैम्प से भी है, तो कुछ तो देखिए घुसपैठी वाला जो बात बोले ना वही है, खास करके हम हिंदू हैं तो बीजेपी ही एक तो हिंदू का आवाज उठाते हैं और कुछ तो ऐसा है नहीं, और सबसे बड़ा चीज मैटर वही है। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर साह। शंकर साहु जी, ठीक है, ये तो जनता तय करेगी, 20 तारीख का दिन होगा। धन्यवाद, मैं आशीष भदानी, जन की बात, राजधनवार विधानसभा।